कबीर तू तू करता तू हुआ, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा जत देखो तत तू 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 करता तू हुआ। शब्द दूर नेड़े बैठे अकेडमी वालों चल रहे इस समागम विच लगातार कुछ वर्ष तो बाबा कबीर जी दी बाणी दी लड़ी जो हुण श्लोकां विच चल रही उस विच शामिल होए हो। आओ आरंभ विच फतेह बुलावां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछली बार पिछले हफ्ते बाबा कबीर जी का श्लोक सी कि मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते। जे मैं किसे धर्म कर्म कर दिया, कोई चीज तेरी भेंट करा, भावें जीवन दा समा, भावे कोई तेरा अस्थान बनान दे नाम ते, भावे कड़ा प्रसाद लंगर जा रुमाले दे नाम ते, कुछ तेरा तेरे सामने सौंपा, तू ही ते दिता है, तेरो दिया तुझे क्या अर्पो, क्या देवो जो सब कुछ तेरा। तो पर फिर भी बाबा कबीर जी ने इस गल नू साडे जेन विच बिठाने लई एक गल समझाई सी कि तेरे हर धर्म कर्म विच हों बड़ी ही सूक्ष्म बन के नाल खलोती है कि मैं कुछ कर रहा, मैं कुछ कर रहा, जेड़ी उस तेरे धर्म कर्म नू निरारित कर रही है, इसलिए उसका साथ हटाने वास्ते इस विश्वास जरूरी है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, ताकि हों ना आवे कोई कर्म करन लग्या, हमे विच सेवा ना हो गई ता मन बिरथा जाए। इसलिए जरूरी है कि तेरे मन विच एक विश्वास होवे कि मेरा मुझ में किछ नहीं,
जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता है, क्या लागे मेरा, ताकि तेरे धर्म कर्म अंदर हाँ दा अंश ना रहे। बस जदो मैं मेरी दा प्रभाव मिटदा है, ता उथे तू तेरा दा विश्वास आरंभ हो जाता है। ये नियम है, एक पासे मैं मेरी, दूजे पासे तू तेरा, दो विचों किसनू तू एक्सेप्ट करना है, किसनू अपना साथी बनाना है, ये मसला धर्म दे खेत्र विच मुगला है। इसलिए आज दे श्लोक विच आपा बाबा कबीर जी कोलों तू तेरा बारे कुछ समझना है। पिछले श्लोक विच मैं मेरा बारे से बारे सी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ते इस बार बाबा कबीर जी दा श्लोक है, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हू, के कबीर तू तू कर दिया तेरे विच ही लीन हो गया है। सतगुरु ने बाणी विच भी आखे इसे गल नू बार बार दोहराया, उनके गुण कहे गुणी समामनिया, जिंदे गुण गाएगा उस गुण दे मालिक विच तू समा जाएगा। गुण कहे गुणी समावनिया, इत्थे भी तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, मेरे अंदर मैं दा ख्याल ही नहीं रह गया जदों दा तू तू मेरे सामने आया। जब आपा पर का मिट गया, जदों आपा ही मिट गया, मैं मेरी ना रही, ते हुण फिर बाकी सिर्फ तू तू रह गया। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू अपनी होंद ही नहीं रही, ता हुण जिधर देखदा हां उधर हों किछ नहीं, एक है ओही दिसदा। सवाल ए है कि हों किछ नहीं एक है ओही, हुण मैनू समझ आ गई है, हुण देखना है, हुण मैनू समझ आ गई है कि जो कुछ भी कर रहा हां इस विच मेरा मुझ में कुछ नहीं है। हुण अंदर बैठी हों हों मैं खत्म हो गई। गुरु बचन है हों हों मैं विचों खोवे, दूजा मेटै एको होवे। जदों हों हों मुई आपा मिटिया, बस ए आपा ही तां मेरे तेरे विच दीवार बने होया सी। सतगुरु ने बाणी विच आखे कहन लगे हों हों भीत भयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, सुनिया मेरा मालिक बहुत नेड़े रहंदा, अंबीरी के पात पार दो बिन पेखे दुरायो, तू बहुत नेड़े रहना है पर दिसदा क्यों नहीं, मेरे मन अंदर ये शंका क्यों पैदा हो जाता है कि तू दिसदा नहीं, ते हो खोरे हो तू है ही नहीं, ऐसे भुलेखे तक चला जाना, तू दिसदा क्यों नहीं। ते गुरु कहन लगे हाँ हाँ भीत भयो है बीचो, बस तेरे ते मेरे दरमियान हे मनुख एक हाँ हाँ दी दीवार खड़ी हो गई। तू जो कुछ मैनू मिलन लई भी करना है उस विच भी हाँ हाँ नाल खड़ी है। सतगुरु कहंदे हाँ हाँ वह भीत भयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, हुण जिस पासे देखदा हुण ओ हाँ विचली जिहड़ी है ओ खत्म हो गई है, हुण जिस पासे देखदा हाँ मैनू दिसदा है करन करन प्रवेक है,
दूसर ना ही कोई, विश्वास बन जाता है जब हम होते तब तू ना ही, जदों विच हां खड़ी सी उदों तू नहीं सह दिसदा, ते हुण जदों दरम्यान विच्चों हां खत्म होई है हुण जिधर देखदा जत देखो तत तू, मैनू हर पासे तू दिसदा। सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, हुण मैं खत्म हो गई। बड़ी अजीब गल है, मैं ना ही कछ हों नहीं, किछ आहे ना मोरा, गुरु दा बचन सी, पर केडी अजीब गल है, हों तो खत्म नहीं होई, उंदा रूप बदल गया। इवें लो अगले पासे आपां ए भी समझना है, एथे आके समरुत तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोरी राम अनुसार, ओ एडा वड्डा समरथ है, ओनू समझन लई, ओनू पछाणन लई, ओनू जानन लई मेरी मत बहुत छोटी है। और कई बार मैं थोड़ी मत वाला अनजान मनुख भुलेखा खा गया खा जाना, और वो देख रहा अज दे संसार विच देख रहा, कि थोड़ी मत वाला अनजान मन अनजान मनुख एक भुलेखा खा गया। कि तू तू करता तू हुआ दा मतलब ही ये ना समझ सकया, ये समझ बैठा कि मैं अते रब अभेद होने तो बाद हुण मैं ही रब हो गया, तू तू करता तू हुआ मैं रब हो गया, आ भुलेखा खा गया। पर गुरु कहिंदे ने नहीं, गुरु ने स्पष्ट किया इस भुलेखे विचों कढ़िया, भलिया तू रब नहीं होया, तेरा आपा मिट गया है। हुण देखना तू रब नहीं होया, तेरा आपा मिट गया है, ते किस तरह मिट गया है, तू रब विच समा गया है, तेरी अपनी होंद खत्म हुई है, जिवें लहर सागर विच समा जांदी है, बुलबुला पानी विच समा जांदा है, लहर तां सागर विच समा गई, हुण ओ लहर नहीं रही, लहर दी होंद मिटी है, बुलबुला पानी विच समा गया, हुण बुलबुले दी होंद मिटी है, सागर जां पानी थोड़ा खत्म होया, वो तो उवें रह गया। देखनी गल ये है, सोचनी गल ये है, सतगुरु ने केडे महान ढंग नाल इस गल नूं समझाया है, कहन लगे भलिया देख जिवें बुलबुला ते लहर सागर विच समा जांदी है, उंदी होंद लहर दी जां बुलबुले दी खत्म होंदी है, सागर दी जां पानी दी लहर खत्म नहीं हुंदी, सागर जां पानी थोड़ा खत्म होया है, भलिया सागर जां पानी दी होंद नूं तां कदी कोई खतरा नहीं, ओ रब जिहड़ा निरंकार जिहड़ा है जिंदे विच तू तू करता तू हुआ भाव तू समाया है, उंदी होंद नहीं खत्म होई, होंद तां तैनूं अपनी खत्म करनी चाहीदी सी, मैं उंदे विच समाया, ओ तां है ना, ओ मरे ना होवे सोग, दिंदा रहे ना चूकै भोग, गुणे हो होर ना ही कोई, उंदा गुणी है कि उंदे वर्गा होर कोई रब नहीं, ओ इको है साहिब मेरा, इको है, इको है भाई, इको है। सतगुरु कहिंदे ने दूजा ना ही और को, तांका भो करिए, मैं किसे होर कोलों डरदा नहीं, क्योंकि होर दूजा रब पैदा ही नहीं हो सकता। सतगुरु कहिंदे ने ना को होया ना को होग, ना अज तक दूजा कोई रब पैदा होया है ते ना पैदा होवेगा। संसार अंदर कदी हरनाकश वर्गे भी आखन लग पए सन कि असी ही रब हाँ, वह चले गए। अज भी जड़े आखते ने असी ही रब हाँ, वह चले जाणगे, मेरा रब मेरा मालिक कदी खत्म नहीं होया। सतगुरु कहिंदे ने पानी रहिंदा है, सागर रहिंदा है, लहर सागर विच समा के ये दसन योग भी नहीं रहिंदी कि मैं सागर हाँ जां सागर सां, वो तो दसन योग भी नहीं रहिंदी। बुलबुला लहर नहीं रहिंदे, बस इको रब सागर रह गया है, पर भोलिया तू तां
आपा मिटाण दी थां इस गल नूं ना समझ के कि तू तू हुआ तो तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हो, अपने आप नूं मिटाउणा सी पर तू तो अपने आप नूं मिटाण दी थां में रब दी होंद नूं ही मिटाण लग पिया। तू आखिया नहीं रब कोई नहीं बस मैं ही हूँ, तू तू करता तू हुआ हो गया। इहदा मतलब ये नहीं कि तू रब हो गया। गुरु बचन करते ने कहते ने हो किछ नाही, इस गल नूं स्पष्ट कर, कहते ने हो किछ नाही मैं नहीं रहा, एक है ओ ही मेरा मालिक ओ है मैं नहीं रहा, हों किछ नाही एक है ओ ही आगे पाछे एको सोई, नानक गुर खोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा, जे मैं ते ओ मिल के एक होए समाए हाँ। तो उनका मतलब ये नहीं कि मैं रब बन गया बल्कि मैं नहीं रहा, आगे पाछे एको सोई हम होए मिल होए एक रंगा, हे प्रभु तेरे विच समा के मैं अपनी होंद मिटाई है, ना हम किया ना करेंगे, कि तो मैं अपने आप दे विच जिहड़ा हुण तक इह समझदा सां कि मैं ही कुछ करना। सद्दू ने बाणी विच आखिया कि मनुख समझन लग पिया मैं कुछ करन जोगा हाँ, मैं ही कुछ करना है, मैं ही संसार दा उधार करना है, मैं ही संसार दा विकास करना है। भलिया गुरु कहिंदे ने नहीं चाहीदा ये सी कि तू ये सोचे ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, जो किछ किया सो हर किया। उंदी होंद दा बरकरार रख, तू उंदी होंद नूं खत्म करके अपनी होंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु कहिंदे ने जो किछ किया सो हर किया भयो कबीर कबीर, एवें तेरा नाम लग पैदा होवे लोग तैनू आखण भी तू ही रब है, कहन लगे नहीं जो किछ किया सो हर किया भयो कबीर कबीर। कहो मानिक सवाल किया ने, कहिंदे ने कहो मानिक ते क्या होया वै, दसो मनुख की कर सकदा जो तिस भावै सोई करावे, इसके हाथ होए तो सब किछ लै। दुनिया अंदर कोई गरीब ना रहे, असीं कई बार ये कहने कि जे तू हिम्मत करेगा जे तू उद्यम करेगा तू अपने पैरों ते खड़ा होवेगा तेरे कर्मां नाल तू सब कुछ प्राप्त कर सकना, वो भलिया जे ये कुछ हुंदा संसार अंदर कोई गरीब ना रहे। संसार अंदर सतगुरु ने बाणी विच आखिया कई कोट बैठत ही खाए कई कोट काले थक पाए। संसार अंदर देखदे हां गरीब आदमी तो ज्यादा उद्यम करता है, गरीब आदमी ज्यादा कालना करता है, पर अमीर हाथ ते हाथ धर के बैठा खाता है। तो फिर जे उस गरीब दे हाथ विच होवे अपने मनुख दे हाथ विच होवे अमीरी जां गरीबी, हाँ ये गल वक्खरी है कि मेरा मालिक आखदा है उद्यम करेंदे हां जीव तू कमावंदे हां सुख पहुंच, तू उद्यमी होना है तू कालना करनी, पर उस कालना ते सिर्फ निर्भर नहीं करना, ते आएंदे हां तू प्रभु मेरे नानक उतरी चिंत, और जड़ी चिंता तेरे मन विच कुछ भी लेन देन दी कुछ भी प्राप्ति दी है वह तां ते आएंदे हां प्रभु तू प्रभु मेरे नानक उतरी चिंत। गुरु कहिंदे ने इसलिए चंगी गल है एक ख्याल रख कहो मानक ते क्या होया वै, मेरे कोल ए बल कित्थे कि मैं तेरी होंद मिटा सकता। अज मनुख ए समझे कि मैं रब दी होंद मिटा लवांगा ते अपनी होंद कायम कर लवांगा, गुरु कहिंदे ने मेरे कोल ए बल कित्थे कि मैं तेरी होंद मिटा सकता। बाबा कबीर जी ने पिछले श्लोक नूं होर स्पष्ट करदिआं इस श्लोक विच समझा दिता कि हों विच कीता सब कुछ व्यर्थ है। जिवें पिछली बार ये लफज आए सन कि हों विच कीत्या कुछ भी हंकार दे बस अहं बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने, ये तो मानो रेत दा करने जेड़े संसार अंदर
ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਆਪਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।